अस्सलाम वालेकुम। डक्कन क्राइम न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। सोशल वर्कर ख्वाजा अलीमुद्दीन ने की होम मिनिस्टर महमूद अली से बात। कुछ दिन पहले 20 अक्टूबर को कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में लोन रिकवरी एजेंट की तरफ से हरास करने के बाद एक शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। इस मामले पर आज शालीबंडा के सोशल वर्कर अलीमुद्दीन ने तेलंगाना स्टेट होम मिनिस्टर महमूद अली से फ़ोन पर की बात। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पूरी तफसीलात डक्कन क्राइम न्यूज़ पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। मुबारक साहब, अपनी पार्टी जीत गए साहब, आपको भी टीआरएस माशाल्लाह साहब। साहब एक ये गवर्नमेंट महमूद अली साहब, ये बजाज शोरूम वालों के ऊपर कुछ करिए साहब। गरीब आवाम से सोना देखिए, लोग कहीं जाने खुदकुशी कर ले, उसके ऊपर आप जरा एक्शन ले। महमूद अली साहब दुआ लगेंगे साहब, स्टेशन में कम्प्लेन की साहब, कंप्लेंट दे देंगे साहब। जरा आप भी जरा पुलिस वालों को बोल के ऐसा करे तो क्या है, बराबर मदद करते हैं। कहीं को बोले तो आप ही थे साहब, गरीब लोगों की मदद करने वाले आप ही थे साहब। सुनिए मेरी बात, आप पहले जी हम ऑफिस लगा के बैठे हुए हैं जी साहब, आप फोन करके काम करे तो ऑफिस पे आइए, आप लेटर दीजिए, डेफिनेट उसके ऊपर एक्शन लेते, जो भी काम कराना है कराते। करो साहब, करो साहब, तकलीफ कराना पड़ता। सही बात है महमूद अली साहब, हमको बोलते रहेंगे काम करो तो क्या क्या कर सकते। आपको इतना चाहते बोल के फोन करते महमूद अली साहब, आप सारे लोगों के आप हमदर्द है, आप लोगों के गरीबों के आप जी साहब, ऑफिस में आते लोग उनको पूरी मदद करते। आप जा सकते तो किसी को भिजाइए, आप नहीं करते। अच्छा, मैं जो गलती करा बराबर उसको एक्शन लेते। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है महमूद अली साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत साहब।